दोस्तों, अगर आपके वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है और आपको नहीं पता है कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है और आपको समझ में नहीं आ रहा है उसे कैसे हटाना है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसे तीन मेथड से लगभग बताऊंगा। तो आपको ये कंडीशन डिपेंड करती है कि आपका कॉपीराइट कंटेंट क्या है। अगर आपको लगता है जो आपका कॉपीराइट आया है वीडियो पर वो आपका नहीं आना चाहिए था फिर भी आ गया है, तो आप उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, परमानेंटली हटा पाएंगे उसे, और साथ ही आपका जो कंटेंट आपने यूज किया है अगर आपको लगता है वो कंटेंट कॉपीराइट स्ट्राइक के अंडर नहीं आना चाहिए था और आ गया है, या आपने कॉपीराइट कंटेंट यूज किया है, तो आप उसे अपने वीडियो से कैसे रिमूव कर सकते हैं, या आपका जो वीडियो ही पूरा कॉपीराइट कंटेंट है आप उससे कैसे रिक्वेस्ट करके अपने वीडियो को रख सकते हैं, आपको वीडियो नहीं हटाना पड़ेगा। YouTube का जो वीडियो है वहाँ से अगर आपको मेल आता है रिप्लाई में तो आपको वहाँ पर उस वीडियो को हटाना पड़ता है या YouTube खुद हटा देता है। तो इन चीज़ों में मैं आपको बताऊंगा कि ये तीन मेथड ऐसे बताऊंगा जिनके जरिए आप अपने कॉपीराइट इसे को हटा पाएंगे, जिसे मैं आपको अपने कंप्यूटर डिस्प्ले पर करके दिखाऊंगा और आपको सेम वैसे ही करना है। तो इनमें से कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपका वीडियो कॉपीराइट स्ट्राइक कैसा है। इसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसके जरिए आप अपने कॉपीराइट को हटाने में कामयाब हो पाएंगे। दोस्तों, मैं हूँ सुमेंद्र मौर्य। अगर आप हमारे वीडियो पर नया है तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे लाल कलर का बटन दे गया है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसको जरूर आप ध्यान से वीडियो पूरा देखिएगा, थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, और इसमें आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसके जरिए आप अपने कॉपीराइट स्ट्राइक को हटा पाएंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे डिस्प्ले पे देख रहे हैं, ये मेरा चैनल है, तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर आपको कॉर्नर पे, आप जब यूट्यूब पर आ जाएंगे तो यहाँ पर एक कॉर्नर पे आपको आइकन मिल जाएगा अपने यूट्यूब चैनल का, उस पर आपको क्लिक करना है। फ्रेंड, आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे जिसमें आपको यूट्यूब स्टूडियो पर जाना है। जब आप यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो का पेज खुल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर कुछ डैशबोर्ड देख रहे हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर एक वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर वीडियो की लिस्ट खुल चुकी है और थोड़ा मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और जिस वीडियो में मेरा कॉपीराइट स्ट्राइक आया है वो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको रेड कलर से दिख रहा है तो यहाँ पर ये कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ है। तो जैसे कि आपको लगता है कि आपके वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक सही है या नहीं है, अगर आपके वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आया तो उसके लिए आप कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो कॉपीराइट आया है गलती से आपसे हो गया है वहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक के लिए जो कंटेंट लगा है, उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप कैसे हटा सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपका कंटेंट ही ऐसा है जिसमें आपने कॉपीराइट स्ट्राइक जैसा कुछ यूज किया है तो यहाँ पर आपको अपना कंटेंट वगैरह रिमूव भी करना पड़ सकता है। उसके लिए आपको अपना रिमूव कंटेंट ना करना पड़े, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने डैशबोर्ड पर चले जाना है। डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस दिख जाएगा। जैसे कि तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको चैनल वायलेशन का, यहाँ पर जहाँ पर आपको कॉपीराइट का एक दिख जाएगा नोटिफिकेशन, और यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन भी आपको दिख जाएगा जो आपका कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ है आपके वीडियो पर। तो उसके बाद आपको यहाँ पर व्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आप अपने जो कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ है वो देख सकते हैं किस वीडियो पर आया है, अगर आप डायरेक्ट वीडियो में नहीं जाते हैं तब भी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर पेज खुल जाएगा और यहाँ पर आपका जब कॉपीराइट स्ट्राइक आया उसकी डिटेल आपको दिख जाएगी, यहाँ पर जो आपको डिटेल दी है वो सब पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक आपको आया कहाँ से, तो यहाँ पर आपको ऑनर का नाम यहाँ पर इस तरह से दिख जाएगा और आपका किस से किसके बीच में आपने यूज किया है तो वो टाइम भी आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो रॉन्ग कंटेंट अगर आपको लगता है कुछ इस तरह का है तो आपको कंटेंट अगर लगता है कॉपीराइट है तो उसे हटा सकते हैं या आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आपका दिखा रहे हैं कंटेंट यूज और यहाँ पर आपका क्लेम टाइप किस तरह का है वो सब आपको दिखा रहे हैं, इम्पैक्ट और वीडियो पर, तो वीडियो कैन नॉट बी मोनेटाइज, तो ये आपका वीडियो मोनेटाइज नहीं होगा। फ्रेंड, अगर आप इसे ट्रिम करना चाहते हैं तो ट्रिम भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको 1:59 से 2:35 के बीच यहाँ दिखा रहा है तो आपको एक्शन के ऑप्शन पे जाना है सिलेक्ट ऑप्शन, और अगर आप इसे ट्रिम करना चाहते हैं तो ट्रिम भी कर सकते हैं। तो ट्रिम के लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा और इसको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, रेडी फॉर ट्रिम तो ऑप्शन मिल जाएगा, आपको ट्रिम पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो ट्रिम के लिए यहाँ पर रेडी हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पर ट्रिम करने का ऑप्शन यूज कर पाएंगे। अगर फ्रेंड आप इसे ट्रिम नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है यहाँ पर आपका वीडियो कंटेंट आपको रिक्वेस्ट करनी है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर एक लर्न मोर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर एक हेल्प का ऑप्शन खुल जाएगा, आपको यहाँ पर टाइप करना है हाउ टू रिमूव कॉपी राइट स्ट्राइक, ठीक है। उसके बाद आपको एंटर कर देना है, एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे।
तो यहाँ पर एक आपको मिल जाएगा हाउ टू कॉपीराइट स्ट्राइक डिलीट वीडियो का भी ऑप्शन है, हाउ टू कॉपीराइट स्ट्राइक का ऑप्शन ये भी है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर न्यू टैब पे खोल लेना है इसे। तो आप इसे न्यू टैब पे खोलेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से एक न्यू टैब खुल जाएगा। फ्रेंड यहाँ पर आपको जब ये पेज खुल जाएगा यहाँ पर आपको कॉपीराइट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ गाइडलाइन मिल जाएंगी जिन्हें आप पढ़कर समझ सकते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है। लेकिन अगर आपका कॉपीराइट इलीगल है तो आपको यहाँ पर आपका जो चैनल है टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, कम्युनिटी में जब जाएंगे तो यहाँ पर जैसे कॉपीराइट का ऑप्शन है तो यहाँ पर आप जैसे नीचे की तरफ करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ मैसेज मिल जाएंगे जो कि इससे रिलेटिव पहले से किए गए हैं। तो फ्रेंड ये जो पहला तरीका था जिसके ज़रिए आप इसे ट्रिम करके हटा सकते हैं, अब आपको दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको अपना जीमेल यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको न्यू टैब ले लेना है और यहाँ पर आपको जीमेल लॉगिन कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड आप जब जीमेल खुल जाएगा उसके बाद आपको कंपोज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर न्यू टैब खुल जाएगा। जब आप यहाँ पर कंपोज पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको ये ईमेल आईडी यहाँ पर लिख लेना है, copyright@youtube.com, ठीक है। आपको इस पर एक मेल करना है और आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देना है। जैसे आप सब्जेक्ट में यहाँ पर नाम दे सकते हैं तो फ्रेंड यहाँ पर आपको नीचे की तरफ लिख देना है रिट्रैक्ट कॉपीराइट स्ट्राइक। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मेल कैसे लिखना है। अगर आप अपनी तरह से लिखना चाहते हैं तो अच्छी तरह से लिख सकते हैं। आप अपने वीडियो के बारे में यहाँ पर स्टैक के बारे में लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना नहीं आता तो जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको इसी तरह से लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है और इसमें आपको कुछ चेंज करना है। इसमें क्या चेंज करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर जैसे कि लिखा है जैसे कि वीडियो टाइटल, तो यहाँ पर अपने वीडियो का टाइटल डालना है जिस पर आपका कॉपीराइट स्ट्राइक आया है। और उसके बाद आपको एक जगह और चेंज करना है, यहाँ पर जैसे हेयर आर वीडियो डिटेल, तो यहाँ पर आपको अपनी वीडियो डिटेल डालनी है और वीडियो का टाइटल डालना है। तो आप यहाँ पर आपको वीडियो का जो टाइटल है वो डाल देंगे, जो कि लिंक है जो आपके वीडियो का लिंक है वो आप डालेंगे। वो कैसे डालेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने यूट्यूब चैनल पर चले जाना है फिर से। फ्रेंड आपको वीडियो पर आने के बाद आपको जो वीडियो दिख रहा है यहाँ पर दिख जाएगा, इसके बाद आपको थ्री डॉट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो गेट शेयरेबल लिंक पर जाना है और इस पर क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पर जो है लिंक कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आपको अपने फिर से मेल पर चले जाना है और जहाँ पर आपने मेल टाइप किया है वो आपको दिख जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, या तो आपने लिंक पहले कॉपी किया तो लिंक आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, हेयर आर योर वीडियो डिटेल। तो यहाँ पर इस पर आपके बीच में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट आप कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं और डायरेक्टली आप ऐसे भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेस्ट करने के बाद जो आपका लिंक है यहाँ पर आ जाएगा, उस यहाँ पर क्या होगा, जो आपका वीडियो है उसको आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा उन्हें टाइटल को, और डायरेक्टली वो यहाँ से क्लिक करके आपका अगर लगता है कि आपके स्टैग नहीं है तो इसे रिमूव कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपको टाइटल भी डालना है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो टाइटल को आपको वैसे ही जाना है और यहाँ पर आपको टाइटल दिख जाएगा, नहीं दिखता तो आप डायरेक्टली अंदर जाके इसे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिलेगा डिटेल पर, इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो टाइटल में आपको अपना टाइटल दिख जाएगा। इसके बाद तो यहाँ पर आपको कंट्रोल ए कर लेना है और कंट्रोल सी कर लेना है। उसके बाद कॉपी करने के बाद आपको फिर से अपने मेल में आ जाना है। मेल में आने के बाद आपको जहाँ वीडियो टाइटल लिखा है इसको सिलेक्ट कर लेना है, तैसे यहाँ पर आपको कंट्रोल करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है इसे जो वीडियो है आपका टाइटल, तो इसके बीच में आपका टाइटल आ जाएगा वीडियो का और यहाँ पर जो आपका लिंक है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको लिखने के बाद आपको यहाँ पर रिगार्ड्स के नीचे आप अपना नाम डाल देना है चैनल का, जो भी आप इस तरह से डालने के बाद आपको यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देना है। सेंड पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर जब सेंड पर आप क्लिक कर देंगे उसके बाद आपका जो मेल है वो यहाँ पर चला जाएगा। मेल जाने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन या हफ्ता या महीना, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है वहाँ पर। अगर आपका रीड जल्दी हो जाएगा और वो वीडियो को देख लेंगे तो यहाँ पर कर देंगे। अगर आपको एक हफ्ते के अंदर नहीं होता तो आपको दोबारा से इसी मेल पर रिप्लाई कर देना है। अगर उन्हें लगता है जो आपका वीडियो कोई स्टैग वगैरह नहीं है तो उनसे गलती से हुआ तो वो उसे हटा देंगे, या आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है उसके तौर पे भी हटा सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं हटाते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि इसके बाद आपको जो अपना कंटेंट है वो रिमूव करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ अपने वीडियो लिस्ट में आना है और जिस वीडियो का आपने यहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक आया है उसके मेल के बाद भी आपका यहाँ पर स्ट्राइक नहीं जा रहा है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड, आपका जो यहाँ पर कंटेंट है उसको आपको यहाँ पर रिमूव भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको राइट मार्क करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे इस बॉक्स में राइट मार्क करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिलीट फॉरएवर पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका वीडियो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर लगता है कि आपका वीडियो यहाँ पर जो आपने मेल किया है अभी रिस्पॉन्स आने में टाइम है, तो अभी मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा वेट करना है, क्योंकि आपने जो मेल किया है उसके लिए थोड़ा वेट करेंगे। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका
क्योंकि वहाँ से रिप्लाई आएगा कि आपका जो स्टैक है वो हटाया गया नहीं हटाया गया। अगर नहीं हटाया जाएगा तो वहाँ पर रिमूव कंटेंट के लिए ऑप्शन आएगा, नहीं तो आपका जो चैनल है उस पर कुछ भी एक्शन लिया जा सकता है। तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी और वो रिप्लाई पर चेक करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर डिसाइड करना है। अगर रिमूव कंटेंट के लिए ऑप्शन आएगा तो आपको अपना कंटेंट जो रिमूव करना पड़ेगा। तो फ्रेंड कुछ इस तरह से ही आप अपना कॉपीराइट हटा सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे मैंने आपको बताया अगर ट्रिम करने का ऑप्शन मिल जाता आप ट्रिम भी कर सकते हैं, हमने बताया कि कैसे आप कर सकते हैं, टाइमिंग भी वहाँ पर लिख कर आ रही थी, और आप कैसे यहाँ पर मेल कर सकते हैं, कहाँ पर मेल करना है मेल भी बता दिया, आपको लिखना कैसे है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और उसके बाद भी नहीं होता तो आपको अपना रिमूव कंटेंट कैसे करना है ये सारी चीज़ें सबको मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो आप कुछ इस तरह से ही अपना जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो यहाँ रिमूव कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी ऐसी दिक्कत आती है तो इस प्रॉब्लम को सलूशन कर सकें। तो चलिए फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।